सहारनपुर क्राइम ब्रांच एवं थाना कोतवाली नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का किया पर्दाफाश, 3 साथी अभियुक्त गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच एवं थाना कोतवाली नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। कब्जे से भारी मात्रा में बने और अधबने अवैध शस्त्र व उपकरण बरामद किए गए, जिसका खुलासा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर डॉक्टर एस चंपा ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता कर किया। उन्होंने बताया कि आज करीब 1:30 पर क्राइम ब्रांच व कोतवाली नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर गढ़ी मलुक बीएसएनएल टावर के पास से अंतर्राज्य अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री चलाने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध असलाह एवं कोयले की भट्टी जलाने वाला पंखा एवं अधबना तमंचा व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए। यह गिरोह जगह जगह स्थान बदल कर अवैध असलाहों को तैयार कर मुंह मांगी कीमत पर जनपद सहारनपुर और आसपास के क्षेत्रों में बेचकर मोटा धन कमाते थे। एक पिस्टल की कीमत करीब 25,000 रुपये एवं एक तमंचा की कीमत 5,000 रुपये में बेचा करते थे। उन्होंने बताया कि अभियुक्तगण शात्र किस्म के अपराधी हैं, जिनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। इस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाशी की जा रही है, जिसमें गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। ब्यूरो चीफ सहारनपुर से हैदर अंसारी की रिपोर्ट। सहारनपुर क्राइम ब्रांच और थाना कोतवाली सिटी द्वारा एक अवैध अस्त्र शस्त्र बनाने वाले गैंग को पकड़ा गया है और इनके पास से काफ़ी मात्रा में जो अवैध असलाह बरामद हुए हैं, इसमें 1-2 पिस्टल है और 12 तमंचे हैं और इसके साथ साथ इनका जो बनाने वाला उपकरण सभी बरामद हुए हैं और 3 अभियुक्तों का गिरफ्तारी हुई है। इसमें 1 अभियुक्त थाना कैराना से गैंगस्टर में वांटेड भी है और इन तीनों का काफ़ी आपराधिक इतिहास है और ये लोग इस तरह का अवैध अस्त्र बना के जो बेचते थे, इनका पूरा जो पूरा हिस्ट्री हम लोग कंगाल रहे हैं और कौन कौन लोग इसमें जुड़े हुए हैं और कहां कहां इन्होंने बेचे हैं, तो इस संबंध में गहराई से छानबीन भी शुरू कर दी गई है और इनके विरुद्ध गैंगस्टर के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी और इनका संपत्ति कुर्क करने का भी कार्रवाई की जाएगी। और मेरे टीम को पूरी इनके लिए मैंने 25,000 का इनाम घोषित किया।